Hi everyone, this is me Guy that does everything back with another amazing video for you guys. So आप लोगों ने Intel versus AMD की जंग या डिबेट के बारे में तो सुना ही होगा. कोई कहता है Intel is the best और कोई कहता है AMD को gaming king. But what if I tell you guys कि एक और पुरानी जंग है जो तवील अरसे से चलती हुई आ रही है and that battle is between Intel Xeon versus Intel i-series processors. And just to give you guys a bit of spoilers, इन दोनों में से एक प्रोसेसर ऐसा है जो दूसरे से 5 से 6 हजार रुपए सस्ता होने के बावजूद गेमिंग परफॉर्मेंस में इज एब्सोल्युटली द सेम. एंड आई एम ऑल्सो रियली एक्साइटेड टू टेल यू गाइज कि आज की इस वीडियो में मैंने 10,000 का गिव अवे भी रखा है ताकि इस महंगाई के दौर में अगर कोई अपना सबसे पहला गेमिंग पीसी बनवाना चाह रहा है तो उसकी कुछ हद तक हेल्प की जा सके. यार लेकिन एक बात है, मुझे इन लोगों के ऊपर ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं है. जो भी बंदा 10,000 जीतेगा वो आराम से ये 10,000 रुपये याशो में लगाएगा, डेटे वेटे मारेगा. पीसी में आई डोंट थिंक सो कि वो बंदा जो है ना वो पैसे लगाएगा. सो एक काम करते हैं, 10,000 कैश के बजाय 10,000 का प्रोसेसर गिव अवे कर देते हैं. क्यों भाई? चलो भाई डन हो गया है. आप लोगों की हरकतों की वजह से आपको 10,000 रुपये कैश में नहीं मिलने वाले बल्कि प्रोसेसर की सूरत में मिलने वाले हैं, विच आई थिंक इज रियली गुड, ताकि उसी बंदे की हेल्प हो सके जिसको वाकई में अपना एक गेमिंग पीसी बनवाना है. ऑलराइट, सो अब इस गिव अवे में आप लोग किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरह से ये प्रोसेसर विन कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा. सो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड, बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट द रिव्यू. आज की ये वीडियो Xeon versus i-series processors के अलावा ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए भी है जिनका बजट जो है वो तकरीबन 40 से 50 हज़ार का होता है. और इस बजट में मोस्टली जो शॉप वाले हैं वो लोगों को 4th generation i5 या i7 रिकमेंड करते हैं. और ऐसे में अगर कोई बंदा i7 प्रोसेसर के ऊपर जाता है, जो कि आई गेस के मिनिमम रिक्वायरमेंट आजकल के गेम्स के हिसाब से i7 की ही रह गई है. सो अगर ऐसे में कोई बंदा i7 के ऊपर जाता है सो उसके पास GPU के लिए इतना बजट नहीं बचता कि वो एक अच्छा सा GPU ले सके. और जिस तरह से आई सीरीज़ में आपके पास डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, किसी के नंबर ऑफ़ कोर ज़्यादा होते हैं, थ्रेड ज़्यादा होती हैं, किसी के क्लॉक ज़्यादा होती हैं, सिमिलरली Xeon में भी आपको डिफरेंट मॉडल्स मिलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर 4th generation का Xeon 1230V3 प्रोसेसर लगा हुआ है जिसके अंदर 4 core 8 threads हैं. बेस क्लॉक इसकी 3.3 GHz है, बूस्ट इसकी 3.7 GHz है और इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 9 से 10 हज़ार रुपये की है. और दूसरी तरफ मेरे पास 4th generation i7-4770 लगा हुआ है, 4 core 8 threads का ये प्रोसेसर है. बेस क्लॉक इसकी 3.4 GHz है और बूस्ट जो है वो 3.9 GHz है. इसकी कॉस्ट तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये फ़िलहाल मार्केट में चल रही है. और जो इसके अंदर 100 से 200 MHz की जो क्लॉक का डिफरेंस है फ्रॉम दिस प्रोसेसर, आई रियली डोंट थिंक सो कि एक्चुअल एवरेज गेमिंग परफॉर्मेंस में ये जो क्लॉक का डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा मैटर करेगा. वो खैर हम बेंचमार्क्स में भी देख लेंगे कि दोनों की परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस आता है. लेकिन फिर भी अगर मुझे क्लॉक टू क्लॉक परफॉर्मेंस मैच करनी है तो मैं Xeon के दूसरे मॉडल की तरफ जा सकता हूँ. जैसे ये 1230 है तो 1240, 1241, 1245 या इवन 1246. Alright, so enough talking. बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं एंड यू गाइज नो मी कि मुझे बातों से ज़्यादा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है. सो अब इन दोनों के बेंचमार्क्स की तरफ चलते हैं. लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताना रह गई है वो इनकी स्पेक्स हैं. इनकी स्पेक्स के बारे में बता देता हूँ. एज आई सेड बिफोर कि दोनों में प्रोसेसर तो आप लोगों को पता है कौन से लगे हुए हैं, 1230V3 और 4770. बाकी स्पेक्स के लिहाज से इनको बिल्कुल आइडेंटिकली बिल्ड किया गया है. 8GB 1600 MHz की रैम लगी हुई है, सेम मदरबोर्ड, सेम 120GB SSD, 500GB हार्ड डिस्क ड्राइव, इवन पावर सप्लाई भी सेम है. और RX5 AMD का RX580 8GB वाला इसके अंदर GPU लगाया हुआ है. एंड ऑल्सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक मिर्ज़ा निभान बेग जो मोस्टली Xeon के प्रोसेसर्स में डील करते हैं और उन्होंने ही मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर मुझे ये दोनों PCs प्रोवाइड किए हैं. और अगर आप लोगों को भी अगर कोई Xeon प्रोसेसर चाहिए या इवन अगर पूरी बिल्ड चाहिए Xeon की तो आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मैं उनकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. एंड फॉर नाउ लेट्स हेड ओवर टू द गेमिंग बेंचमार्क्स. ऑलराइट, सो मैंने इन दोनों PCs को अपने LG अल्ट्रावाइड मॉनिटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है. और इस मॉनिटर में एक फ़ीचर है कि आप दो डिफरेंट PCs को इसके साथ कनेक्ट करके उनका डिस्प्ले साइड बाय साइड देख सकते हैं. और ये साइड बाय साइड व्यू वाला फ़ीचर एक काफ़ी यूनिक पर्सपेक्टिव ऐड करेगा इन दोनों PCs के बेंचमार्क्स को रियल टाइम पर एनालाइज करने में. क्योंकि भाई Guy That Does Everything के चैनल के ऊपर आए हो और इस तरह के यूनिक टेस्टिंग वाले मंजन देखने को ना मिलें
तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सो अब सबसे पहले शेडो ऑफ द टूम रेडर के बेंचमार्क से स्टार्ट करते हैं, और मैं जितने भी बेंचमार्क्स को परफॉर्म करूंगा वो 1080p रेजोल्यूशन के ऊपर होंगे। खैर आप लोग ये हर बेंचमार्क्स के एंड में देख भी सकते होंगे कि मैंने किन सेटिंग्स के ऊपर रखकर बेंचमार्क्स को परफॉर्म किया है। सो अब लेट्स जस्ट स्टार्ट द बेंचमार्क, और मैं ट्राई करूंगा कि दोनों के ऑप्शंस के ऊपर एक साथ बिल्कुल क्लिक हो। ऑलराइट, 1 2 3 स्टार्ट। और जब तक बेंचमार्क स्टार्ट है तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर भी बात कर लेता हूँ जो स्किप हो गए हैं मुझसे। फर्स्ट लेट मी जस्ट ज़ूम इट अ बिट, फोकस, देयर वी गो। राइट, सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कशन से रह गई वो IGPU की सपोर्ट है। जिस तरह से मैंने बताया कि Xeon में भी डिफरेंट वेरिएंट्स या डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, सो उन डिफरेंट वेरिएंट्स में कुछ वेरिएंट्स ऐसे होते हैं जिनमें IGPU या बिल्ट इन ग्राफिक्स नहीं होते, और ये नॉर्मल गेमर के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती क्योंकि उसको IGPU के ऊपर गेमिंग नहीं करनी होती, उसको एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर ही गेमिंग करनी होती है। जिस तरह मेरे पास 1230V3 प्रोसेसर है उसमें भी IGPU नहीं है, लेकिन इट रियली डजंट मैटर क्योंकि मैंने RX 580 इसके साथ लगाया हुआ है और उसके ऊपर मैं गेमिंग कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो दैट वाज द ओनली पॉइंट दैट आई वांटेड टू डिस्कस जो स्किप हो गया था। सो फिलहाल आप लोग बेंचमार्क को एंजॉय करें, बेंचमार्क का जब रिजल्ट आता है देन मजीद बात करते हैं। Alright, so the results came in and I am your father. No, that was just a silly joke. Like, alright. Okay, like, come on, man. Just look at the numbers, dude. Look at the numbers. They're like exactly identical. Average FPS i7-4770 mein 74. Average FPS 1230V3 mein 74. Like, come on, there is absolutely no difference. And look at the graph. Render graph 4770 का और render graph 1230V3 का, I don't see any difference whatsoever. मतलब वो कौन पागल बंदा है जो कहता है कि Xeon is not for gaming? मतलब 5 से 6 हज़ार रुपये बचा के आपको i7-4770 की equivalent performance मिल रही है, so why Xeon should not be for gaming भाई? खैर कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, दूसरे गेम्स के बेंचमार्क्स करते हैं और फिर देखते हैं कि उनमें कितना डिफरेंस आता है। Alright, so benchmarks देखने के बाद I'm pretty sure कि idea हो ही गया होगा कि which one is the best in terms of price to performance, which is of course Xeon, like come on. और अब Intel versus AMD की debate का खात्मा हो या ना हो, I personally think कि अब finally Xeon versus i-series की debate का खात्मा तो हो जाना ही चाहिए। और अब अगर मैंने किसी को ये बोलते हुए सुन लिया कि Xeon is not for gaming, तो मैं बता रहा हूँ वहाँ आकर उस बंदे का ना मैंने game बजा देना है। एंड नाउ द रियल क्वेश्चन इज, एंड आई नो कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन सोच भी रहे होंगे कि अगर Xeon इतना ही अच्छा प्रोसेसर है तो i5 या i7 प्रोसेसर की तरह ये आम तौर पर मार्केट में ईजिली अवेलेबल क्यों नहीं होता। उसकी मेन वजह यह है कि इस तरह के Xeon प्रोसेसर्स को Intel मोस्टली जो कंज्यूमर मार्केट है उसके लिए रिटेल नहीं करता है,
इस तरह के Xeon processors mostly directly OEM companies को जाते हैं for their workstation and for their server PCs. और इसीलिए आप लोगों को ये वाले प्रोसेसर, इस तरह के Xeon processors ज़्यादातर उन लोगों के पास मिलेंगे जो workstation या server वाले PCs में deal करते हैं, या उन लोगों के पास जो specifically इस तरह के Xeon processors को बाहर से import करवाते हैं. तो अब फाइनली बात करते हैं giveaway की. सो भाई giveaway की कहानी है वही पुरानी, फिर से सुना देता हूँ अपनी ज़बानी. उसके लिए वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, कुछ भी कमेंट कर देना है, क्योंकि कमेंट से ही मैं बेसिकली एक विनर को पिक करूंगा. और क्योंकि प्रोसेसर जो है वो 10,000 का है, तो कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती. जो विनर की अनाउंसमेंट है जो मैं कमेंट सेक्शन से पिक करूंगा, विनर की अनाउंसमेंट मैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर करूंगा. सो मेक श्योर कि आप फेसबुक पेज को मेरे लाइक करें, क्योंकि वहां पर मैंने छोटी मोटी टेक टिप्स टाइप की वीडियोस भी पोस्ट करना स्टार्ट कर दी हैं. सो हर तरह से आप लोगों का फ़ायदा ही है. सो या डोंट फॉरगेट टू फॉलो ऑल दी स्टेप्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय. और जिस तरह से आई सीरीज़ के अंदर डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, किसी में नंबर ऑफ कोर ज़्यादा होते हैं, किसी में तो उल्टा खोल दिया.